चलो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से बात करूं, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में सबसे पहले फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा है जिसमें उसकी डेफिनेशन देखी है, एंड उसके बाद में हमने क्या देखा है बच्चों, उसके बाद में हमने देखा था डोमेन एंड रेंज और उसपे क्वेश्चन। अब हमारा टॉपिक का नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, काइंड्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के काइंड्स की जब भी बात होती है ना, ये चार टाइप के अंदर डिवाइडेड है, चार भी नहीं बोलू तो बड़े बड़े दो टाइप है, उनके दो टाइप है, इस तरीके से समझो। एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो सबसे पहली काइंड के अगर मैं आता हूं ना, तो हम बोलते हैं वन वन फंक्शन और उसी का एक नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम तो हम देख लेंगे, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब आप कहोगे ये क्या है, तो इसके बारे में एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। तो थोड़ी सी आपको पहले मैं फंक्शन की नॉलेज भी याद करवाना चाहूंगा जब तक हमने पढ़ा है। वन वन फंक्शन और इसका दूसरा नाम जो इंजेक्टिव फंक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम से पॉपुलर है। अब देखो वन वन फंक्शन जैसे नाम से डिफाइंड हो रहा है, हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था, हमने फंक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास दो सेट है ए बी और ए से बी में कोई फंक्शन है एफ, इधर कोई एलिमेंट है ए बी सी और इधर है 1 2 3, ठीक है। और एक और सेट ले लेता हूं मैं सेम ए और बी, ए बी सी, ए बी सी सॉरी स्मॉल ले लेते हैं क्योंकि एलिमेंट है, और 1 2 3 और ये कोई जी जी बना लेते हैं। अब देख रहे हैं इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं, या तो केस होगा कि सारे एलिमेंट जैसे इसके तो तीनों एलिमेंट्स का एसोसिएटेड होना जरूरी है, ये तो पहली कंडीशन थी फंक्शन होने के लिए, मतलब फंक्शन होने की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बोल दूं या तो ये इससे मिल जाए या इससे या इससे, जरूरी नहीं इससे 1 2 से हो सकता था, बी सॉरी ए 2 से बी 1 से हो सकता था, ऐसे रैंडम कि एक एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिल जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता था फंक्शन में क्या आप बता सकते हो ए से दो इमेज बन सकती है, एक ही दो इमेज तो पॉसिबल नहीं है, बट ये हो सकता था कि ऐसा बन जाए और ये कहीं पे भी चला जाए मान लो इधर, ऐसे दो ही केस पॉसिबल है। तो अगर ये मेरे पास दो केस जब पॉसिबल है तो इनका मतलब क्या होता है आप समझना, जब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, मतलब वो इमेज किसी दूसरे एलिमेंट की ना हो, मतलब क्या कि इधर से तो देखो हमने फंक्शन में पढ़ा था कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, सिमिलरली अगर को डोमेन का एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है तो ये क्या हो जाता है वन वन फंक्शन। फिर क्या बोलूंगा, जिस फंक्शन में हर एक एलिमेंट की केवल और केवल एक और यूनिक इमेज हो, केवल एक से तो वो फंक्शन बनता है और यूनिक होने से वो वन वन फंक्शन बनता है। तो अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ फंक्शन इन द डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज, या फिर क्या बोलते हैं यूनिक इमेज इन द को डोमेन देन द फंक्शन इज वन वन, मतलब क्या। अब एक और वापस से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूं, जैसे एफ फंक्शन ले लिया मैंने आर टू आर प्लस, मतलब डोमेन क्या है आर और को डोमेन क्या है आर प्लस, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का मैं आप लोगों के सामने ग्राफ बना के बताता हूं, अभी आप लोगों को नहीं आता बट हाँ एक दो लेक्चर बाद आपको आ जाएगा, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं ये वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का कोई ग्राफ होता है ना, और ये धीरे 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 इंफिनिटी की तरफ टच कर रहा होता है। अब देखना क्या ये फंक्शन है, फंक्शन कैसे चेक करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करो, अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो एक ही जगह कट कर रही है हर जगह तो फंक्शन है, मतलब हर एक x के करस्पोंडिंग एक y है, मतलब फंक्शन तो हो गया। अब दूसरी बात, अब मैं y के करस्पोंडिंग कोई बनाना चाहूं लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो भी एक जगह कट कर रहा है, क्योंकि हर एक y के लिए भी एक यूनिक x आ रहा है, तो ये क्या है वन वन फंक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा वन वन फंक्शन। नाउ सेकेंड वन इज मैनी वन फंक्शन, अगर फंक्शन वन वन नहीं है, अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर वो मैनी वन ही होगा, तो वो मैनी वन होगा, अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा, बस इतना सा ध्यान रखो।
मतलब क्या कि इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैव सेम इमेज, मतलब क्या कि दो एलिमेंट ले लो कोई भी, ए बी सी है जैसे, कोई भी दो एलिमेंट और उनकी इमेज सेम हो, जैसे इसकी इमेज वन बन रही है और इसकी भी इमेज वन बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा मैनिमल। मतलब क्या, द फंक्शन विच आर नॉट वन वन आर कॉल्ड मैनिमल, मतलब वन वन और मैनिमल एक पार्ट हो गया, जिसमें वन वन होगा या मैनिमल होगा, क्लियर है यहां तक। अब समझना, जैसे एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में लू, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। क्या ये फंक्शन है? आप देखोगे हर एक जगह एक इमेज आ रही है, मतलब फंक्शन तो है। नाउ अगर मैं y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो ये दो जगह कट कर रही है, अगर दो जगह कट कर रही है ना, मतलब ये क्या हो गया मैनिमम, वन वन नहीं है। समझ में आ गया, ग्राफिकली भी समझ में आ रहा है और थ्योरेटिकली भी हमें समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली, है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट थ्योरी, नॉट जो अभी समझाया वो मैंने लिखा है। If the graph of fx is given, कोई भी ग्राफ गिवन है fx का, and a line parallel to x-axis, जैसे कोई ग्राफ गिवन है, मैंने भी बताया, जैसे ये कोई ग्राफ था और x-axis के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर कर्व को मोर देन 1.1 से ज्यादा जगह कट कर देती है तो वो क्या होगा, फंक्शन इज मैनिमल अदरवाइज वन वन, यही अभी बताया था। अब इसका एक बहुत अच्छा, जो हम लोग नोटिस नहीं करते वो समझाने का ट्राई करता हूं, समझता हूं, एक ग्राफ बना के बताता हूं आप लोगों को और बताना वो वन वन है या मैनिमल है, ठीक है। एक ग्राफ बनाता हूं, अब मैं पूछूंगा इज दिस वन वन एंड मैनिमल फंक्शन, तो आप क्या बोलते हो, वन वन और मैनिमल के लिए वाई के पैरेलल लाइन खींचते हैं, वाई के पैरेलल कहीं भी लाइन खींचो, एक ही जगह कट करेगी, कहीं भी खींच दो, हर जगह बढ़ता हुआ ग्राफ है, इसको आगे जाकर एक ही जगह कट करेंगे, ये भी मतलब आपके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया वन वन फंक्शन, बट मैं बोलू नहीं है वन वन, आप कहोगे सर फिर क्या, तो मैं कहूंगा बेटा पहले ये चेक करो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के ये दो जगह कट कर दे, मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है, मतलब क्या, ये तो फंक्शन ही नहीं है, और जब फंक्शन ही नहीं है तो मैनिमल और वन वन की तो बात ही नहीं आती है, गलती ये ही होती है कि क्वेश्चन फंक्शन ही नहीं था, चार ग्राफ दे देंगे और मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक, फाइंड द मैनिमल फंक्शन क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल लू, फाइंड द मैनिमल फंक्शन अलोंग दी अमंग दी, पहला कोई ग्राफ दे दिया इज दिस मैनिमल, दूसरा ग्राफ दे दिया इज दिस मैनिमल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तीसरा ग्राफ दे दिया इज दिस मैनिमल, है ना, और चौथा ग्राफ दे दिया ऐसा। आप बताओ इनमें से कौन कौन सा मैनिमल फंक्शन ग्राफ है, मल्टीपल चॉइस एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो केवल और केवल वाई एक्सिस के लाइन खींचते हैं ये दो जगह कट कर रहा है, तो एक तो ये आंसर, ये भी दो जगह कट कर रहा है पर ये फंक्शन ही नहीं है, मतलब ये गलत हो गया, ये एक जगह कट कर रहा है तो ये मैनिमल नहीं है, ये क्या होगा वन वन, है ना, और ये फिर फंक्शन नहीं है और ये क्या होगा मैनिमल, तो गलती क्या होती है, कई बार फंक्शन ही नहीं होता और हम क्या कर रहे थे मैनिमल और वन वन ढूंढ देते, तो पहले चीज तो फंक्शन तो हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू डिटरमाइन मेथड टू डिटरमाइन इज दिस फंक्शन और वन वन और मैनिमल, अगर ग्राफ नहीं दे रखा और ग्राफ नहीं बनाना हो, देखो एक एक करके स्टेप सीखते जाएंगे, चार अलग अलग मेथड है, चार अलग अलग, बोर्ड वाला मेथड आपको बता दिया जाएगा और बाकी तीन दो मेथड हमारे कंपटीशन पर्पस से होता है, वो हम यूज करेंगे कंपटीशन में। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट मेथड, अगर इसको छोड़ो, देखो एक बार के लिए आप इसको देखो, क्या ये आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप दो मिनट बाद देखना इसको। अब देखो मैं एक फंक्शन बनाना स्टार्ट करता हूं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ये ए है ये बी है ये ए बी सी हो गया कुछ, सिमिलरली ये 1 2 3 हो गया, ठीक है। अगर मैं एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू ले लेता हूं, मान लो ए नॉट इक्वल टू बी है, ये दो एलिमेंट ले लिए डोमेन में ए और बी, अब इसके दो केस हो सकते हैं कि या तो ये ऐसे बन जाए या फिर ये ऐसे बन जाए। अब देखो ये x1 और x2 क्या है,
कोई जनरल पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है, मतलब क्या पूरे डोमेन में से हर कोई दो पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं केवल दो पॉइंट ऐसे मिल गए तो ये वन वन मैन्युअल, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं रैंडम। तो अगर इस केस में अगर देखो तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है वन और एफ ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है टू। इस केस में एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है वन और एफ ऑफ बी कितना है वन। मैं काम करता हूं इसको पहले फंक्शन में बना देता हूं, ये फंक्शन भी हो गया। अब देखना ये है ऐसा, अब इसके अंदर अगर a नॉट इक्वल टू b है तो क्या f ऑफ a और f ऑफ b की बात करो क्या है, f ऑफ a और f ऑफ b क्या है वन और टू, मतलब नॉट इक्वल है। और हम देख भी सकते हैं इसका ग्राफ है वन वन फंक्शन का, इसमें f ऑफ a इक्वल टू, अब इस वाले केस की बात करता हूं, a तो नॉट इक्वल टू b है बट f ऑफ a किसके इक्वल आ गया f ऑफ b के, मतलब ये क्या है वन वन नहीं है, ये मैनी वन है। अब पढ़ो If x1 and x2 not equal, then f of x1 और f of x2 भी not equal आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं function 1 1 है, otherwise many 1 है। I hope it is clear to all of you now. Clear है यहां तक? इस step का कभी हम use नहीं करेंगे, ना board में करते हैं generally, ना competition में करते हैं, कहीं नहीं करते। तो फिर पढ़ाया क्यों? पढ़ाए इसलिए कई बार जेई के अंदर जब स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, असर्शन रीजन, उनमें बोल देता है, पहला स्टेटमेंट दे देता है दिस फंक्शन इज वन वन और हमने फाइंड कर लिया हाँ ठीक है, और नीचे स्टेट दे देता है रीजन दे देता है कि अगर ऐसा होता है तो वन वन है, तो हाँ सही बात है कंडीशन वन वन होने की है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर पर्पस टू बोर्ड, मीन्स अगर बोर्ड में वन वन का क्वेश्चन आता है तो इसी मेथड से हम सॉल्व करके आते हैं। Now, f of x1 equal to f of x2, then, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या दिया होता है, अगर आपको मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको एग्जाम्पल कैसा दिया होगा, लेट f of x equal to x plus 3, let's check is this one one or many one, ऐसे तो एग्जाम्पल दिए होंगे हमें, है ना, मतलब हमें f of x given होता है, तो हम क्या करें दो एलिमेंट ले लें जैसे a b c 1 2 3, ये मैंने ले लिया डिफरेंट डिफरेंट, एक केस तो ये हो सकता था और एक केस क्या होगा कि ये सेम आ जाए, है ना। अब मैं क्या ले लू, दो एलिमेंट ले लू, इसको एक सेकेंड उसको बनाने के लिए मैं इस तरीके से डालू, एक ही एलिमेंट के से दो इमेज ले लू, यानी ये कर दू, वैसे देखो ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, बट फिर भी मेरी बात समझना, पहले केस में मैं क्या ले लू वन इक्वल टू टू, सॉरी वन, चलो इस तरीके से नहीं समझाता, किसी और मेथड से समझाता हूं, किसी और मेथड से बेटर समझ में आएगा। जैसे क्या एफ ओ वन इक्वल टू एफ ओ एक्स वन इक्वल टू एफ ओ एक्स टू, समझना, जैसे ये दो इमेज दो एलिमेंट है ए बी सी 1 2 3 एज इट इज, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है, ये बोल दिया मैंने आपको आगे से, तो क्या f ऑफ 1 किसकी वैल्यू है, उल्टा है तो f ऑफ a की, तो क्या ये इक्वल टू f ऑफ b होगा, अगर ये होगा तो ये a इक्वल टू b होगा, x से f हटेगा तो मतलब क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, अगर f of x1 equal to f of x2 था तो, ये मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं, यानी क्या अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको एग्जांपल से समझाना चाहूं तो इसको भी हटा दूं, आपको जो याद रखना है बोर्ड में करना है वो क्या करना है, लेट फंक्शन इज गिवन दिस, लेट एग्जांपल के लिए लेट f of x1 equal to f of x2 फॉर एनी x1 x2 belongs to domain of f, ठीक है, f of x1 क्या होगा x1 plus 3, f of x2 होगा x2 plus 3, और यहां से सॉल्व करा तो क्या आ गया x1 equal to x2, means अगर f of x1 equal to f of था और x1 equal to x2 आ गया तो ये क्या होगा वन वन, अदरवाइज ये क्या होगा many, समझ में आया। तो ये वाला मेथड हम किस लिए यूज करते हैं, बोर्ड पर्पस से, तो मैं आपको लिख दूं, हम बोर्ड में जेई में भी यूज कर सकते हैं अगर इजी क्वेश्चन हो,
बट अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है तो ये यूज नहीं कर पाते। अगले दो मेथड की जब मैं बात करता हूं तो ये थोड़े हमारे जेई पर्पस से हमारे समझने के है, और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो आप 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में उसको यूज कर लेंगे। इतना ही डिफरेंशिएशन चाहिए, सॉरी, उसके बाद का हम डिफरेंशिएशन यही पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो क्या होता है, अगर कोई फंक्शन, एक एक वर्ड समझना इसका, पहले एक बार मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मार्क करता जाता हूं, अलग तरह से कर देता हूं, ठीक है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या था कि फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, मतलब x बढ़ने पे y रुक ही नहीं रहा। जैसे x1 पे y 1 था तो x2 पे 1 से ज्यादा होगा, 3 पे उससे ज्यादा होगा, ऐसी कोई बात। या फिर कंटीन्यूअस डिक्रीज हो रहा हो, ऐसा फंक्शन 1-1 होता है। मतलब अगर मैं समझाने के ट्राई करूं तो एक ऐसा ग्राफ जो x बढ़ने पे बढ़ता जाए, जैसे हमने e की पावर x का ग्राफ लिया था, देखो ये x बढ़ने पे कंटिन्यू बढ़ रहा है और कहीं भी हमें पैन हटाना नहीं पड़ा इस ग्राफ को बनाने के लिए। मतलब ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब ये ऐसा ग्राफ नहीं है। अगर आप देखो कि ये बढ़ रहा है फिर ये बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, ग्राफ कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है अगर ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया लगा आपको क्या होगा, इसको समझाने के लिए मैं बोलूं कि अगर f(x) कोई फंक्शन है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x, अगर वो हमेशा ग्रेटर देन 0 या हमेशा लेस देन 0 आ जाता है तो ये क्या होता है 1-1 होता है, वरना ये क्या होगा मैन-1 होगा। 1-1 क्या होता है, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग आ जाता है तो वो 1-1 होता है, क्लियर है। हम इस तरीके से ही एग्जाम में ट्राई करते हैं, या फिर हम ग्राफ बना के y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, ये दो मेथड हम यूज करते हैं कंपटीशन में, बोर्ड के पर्पस से हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर आपको इसका एक एक मीनिंग समझ में आया हो कि कंटीन्यूअस मतलब ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब कंटिन्यू या तो बढ़ रहा है, या फिर डिक्रीजिंग मतलब कैसा होगा कंटिन्यू ऐसे डिक्रीज करता जाए, कहीं से देखो कंटिन्यू नीचे जा रहा है, अगर ये एक बार भी कॉन्स्टेंट हो गया या फिर बढ़ गया, मतलब ऐसे जाते जाते ये या मान लो यू सीधा हो जाए तो ये 1-1 नहीं है, या फिर ये बढ़ते बढ़ते ही कम हो जाए तो ये 1-1 नहीं है, ठीक है। आप 1-1 को ऐसे भी देख के बता सकते हो, अगर ये बढ़े ही जा रहा है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक ही जगह कट करेगा, मतलब ये क्या है 1-1। तो एक चीज हमें समझ में आई कि 1-1 फंक्शन के बारे में कि 1-1 फंक्शन कौन कौन से होते हैं जो हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल इवन फंक्शंस आर मैन-1। अब ये इवन फंक्शन इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, आपको तब मैं फिर याद दिलाऊंगा ये पॉइंट, बट अभी के लिए आपको याद कर लेना है इवन फंक्शन सारे मैन-1 होते हैं, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम लास्ट के लेक्चर में, फंक्शन के इसी चैप्टर में पढ़ना, ये फंक्शन का ही एक पार्ट होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर यहां तक क्लियर है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ऑन टू फंक्शन, जो हमारा फंक्शन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, जैसे 1-1 फंक्शन का एक नाम क्या था इंजेक्टिव, वैसे ही ऑन टू का होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन में आपने एक डायग्राम मैंने बताया था कि ये डोमेन है, ये क्या है हमारा डोमेन, ये हमारा क्या होता है कोडोमेन, और इसके अंदर आती है रेंज, ये हमारी होती थी रेंज। ये एक डायग्राम आपने पढ़ा था जिन जिन से एक डोमेन मिलता है, ये फंक्शन में हमने पढ़ा था। अगर ये रेंज को मैं बढ़ाता जाऊं और इतना बढ़ा दूं कि रेंज ही कोडोमेन बन जाए, रेंज ही क्या बन जाए कोडोमेन,
बन जाती है तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है, ओन टू। मतलब इसके अंदर तो सिंपल सा है, ओन टू है, यानी अगर ये चेक करना है तो फंक्शन कैसे गिवन होगा, लेट ए टू बी कोई फंक्शन गिवन है, ऐसे ही गिवन होगा, ए डोमेन और बी क्या हो गया, को डोमेन। अब हम क्या करें, फंक्शन की रेंज निकाल ले, जो हमने सीख चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं फंक्शन की रेंज निकालता हूं और फंक्शन की रेंज किसके इक्वल आ जाती है, बी के, यानी को डोमेन की, तो ये ओन टू है, वरना ओन टू नहीं है। ओन टू नहीं है तो दूसरा पार्ट होता है इसका इनटू इनटू होगा। अब डेफिनेशन से समझने का ट्राई करते हैं, एक सेकंड, डेफिनेशन से समझने का ट्राई करें, इसको हटा दूं, ये समझ में आ गया हो। अब मैं डेफिनेशन से समझाता हूं आप लोगों को, डेफिनेशन से क्या है, इफ एफ एक्स टू वाई, एक फंक्शन है एक्स से वाई में, बी ए फंक्शन, इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन वाई हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन। मतलब क्या कि ये ऐसे बोल रहा है कि एक ये फंक्शन ए है और ये फंक्शन बी है, यहां पे है मान लो ए बी सी डी, यहां पे है वन टू थ्री, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया। अब इसके पास ऑप्शन दो है, या तो ये कहीं इससे मिल सकता है, इससे इससे। मैं बोल रहा हूं अगर ये थ्री से मिल जाता तो क्या होता, जैसे ये थ्री से मिलता हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, तो ये क्या हो गया, इसको देखो, अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तो हर एक एलिमेंट रेंज है, हर एक एलिमेंट रेंज है तो को डोमेन बराबर रेंज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ओन। वही तो मैंने बताया, अगर इसकी जगह ऐसा हो जाता सी वन टू थ्री और दो इधर मिला दो, काम करो, आपकी बार क्या है, थ्री की कोई प्री इमेज दिख रही है, तो आप बोलोगे नहीं ना, थ्री की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। मतलब थ्री की प्री इमेज नहीं होने का मतलब है ये क्या है, इनटू ऑन टू नहीं है मतलब। और आप बोल सकते हो इसका अंदर को डोमेन तो वन टू थ्री था, बट रेंज तो वन और टू ही है, मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ये इनटू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, को डोमेन इक्वल टू रेंज है तो ऑन टू है, बट ये डेफिनेशन भी हमें ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार असल रीजन में पूछ ली जाती है, ठीक है। नाउ द कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इन टू, पूरी डेफिनेशन वही है, यहाँ पे नोट लग जाएगा, विच इज नॉट एन इमेज को छोड़ो, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इन टू होगा, जो इन टू नहीं है वो ऑन टू होगा। मतलब अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं, समझना, एक फंक्शन कोई भी या तो क्या होगा वन वन होगा, या तो वो होगा वन वन या होगा मैनी वन, इन दोनों में से एक होना ही पड़ेगा। साइमल्टेनियसली ये होगा कैसा, ऑन टू होगा या फिर होगा इन टू, या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो इनसे कितने केसेस बन सकते हैं, या तो वन वन के साथ ऑन टू हो जाए, या फिर वन वन के साथ इन टू हो जाए, या फिर मैनी वन के साथ ऑन टू हो जाए, या फिर मैनी वन के साथ ऑन टू इन टू हो जाए। ये चार केसेस फंक्शन के, जो मैंने चार टाइप बताई ना आपको, तो अब ये अगर समझ गए हो, चलो छोड़ो मैं इधर ही लिख देता हूं, तो चार टाइप कौन कौन सी है, एक तो हो गया वन वन एंड ऑन टू, एक हो जाएगा वन वन एंड इन टू, एक हो जाएगा मैनी वन ऑन टू, और एक हो जाएगा मैनी वन इन टू। ये चार टाइप फंक्शन की है, ठीक है। फंक्शन इनमें कोई भी फंक्शन इन चारों में से एक होगा ही होगा, यहां तक अगर क्लियर होता है तो ये नोट पढ़ना। इफ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अगर चार में से एक टाइप हमने पढ़ी इंजेक्टिव, फिर ओन टू मैनी वन, फिर सब्जेक्टिव, फिर इन टू, अगर फंक्शन वन वन एंड ओन टू है, मतलब क्या, अगर फंक्शन इंजेक्टिव एंड ओन टू क्या था, सब्जेक्टिव, अगर ऐसा है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बाइसेक्टिव बोल देते हैं। मतलब क्या, अगर कोई आपको बोले प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइसेक्टिव, मतलब उसको वन वन और ऑन टू प्रूव करना है। और बाइसेक्टिव फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आगे हम इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे होंगे इसी चैप्टर में, तो इमेज इनवर्स
उसी फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्टिव हो। ये क्यों होता है ये भी हम समझेंगे, पर अभी के लिए क्या समझ में आया, फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। क्लियर नहीं? अगर ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और सेकंड क्या है, इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज देन एफ इज ऑन टू, ये तो हमने पढ़ी ही है ना। नाउ द नेक्स्ट वन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। जैसे हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, ए अगर यहां पे मैं ले लेता हूं, पहले इसके अंदर एम पॉइंट है, मतलब ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एम, और बी के अंदर एन एलिमेंट्स है, बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी एन, यही होंगे। अब समझना, पहले तो अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें तो ये एम एन, इसके पास एन ऑप्शन, इसके पास एन ऑप्शन, इसके पास एन ऑप्शन, टोटल कितना हो गया एम रेस टू पावर एन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करें टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे, तो इसके पास कितने ऑप्शन है, अगर मानो इधर की तरफ एलिमेंट एम कितने हैं, एम लेस देन इक्वल टू एन है तब की मैं बात करूंगा, क्योंकि एन एलिमेंट ज्यादा है तब। क्या बोल रहा हूं, इधर एलिमेंट ज्यादा है, एग्जाम्पल के साथ में ले लेता हूं, एग्जाम्पल ए बी सी, और इधर ले लेता हूं मैं वन टू थ्री फोर, ज्यादा ले लेता हूं। तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे, आप कहोगे हाँ भाई ये एन एलिमेंट से मिल सकता है, अगर ये इनमें से किसी एक को तो चूज करेगा, मान लो इसने इसको कर दिया, तो दूसरे वाले के पास वन वन होने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, आपको पता है दूसरा वाला इससे तो नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि इससे मिल गया तो वन वन नहीं होगा, मतलब आपकी बार क्या आएगा एन माइनस वन, अगले वाले के पास एन माइनस टू, और लास्ट में जाते जाते क्या आ जाएगा एन माइनस एम, क्योंकि टोटल तो हमारे पास एम ही एलिमेंट है, और प्लस वन, क्योंकि देखो यहां पे क्या है जीरो, फर्स्ट वाले में जीरो, सेकंड वाले में वन सब्ट्रैक्ट हुआ, थर्ड वाले में तीन दो सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहां से कितना हुआ एक कम सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो ये चीज मल्टीप्लाई को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, तो आपने पीएनसी में पढ़ा होगा कि अगर मैं एन पी एम की वैल्यू लिखू तो कितनी होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एम फैक्टोरियल, ये होती है। तो यही है, इसको ये इसकी वैल्यू है, मतलब इसको इस फॉर्मूले से भी लिखा जा सकता है, और चाहो तो इसको एक और नाम दे सकते हो एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल, ये भी आप बोल सकते हो, ये दोनों तरीके से इसके आंसर होंगे। क्लियर है ये कैसे है? जैसे इसके अंदर ऑप्शन पूछते तो कितना होता, इसके पास कितने ऑप्शन है चार, इसके पास कितने हैं तीन, इसके पास कितने हैं दो, तो कितना हो गया आंसर 4 इंटू थ्री इंटू टू, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते थे 4p3, ये भी आंसर लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आया कैसे है। नाउ द सेकंड वन, अगर m बड़ा होता, अब मैं इसी के अंदर दोबारा से स्टार्ट करता हूं एग्जांपल लेना, अगर इस वाले केस पर डालू ना, अब की बार मैं बोल रहा हूं कि m बड़ा होता, m बड़ा होने का मतलब क्या है, अब की बार इधर एलिमेंट ज्यादा होते और इधर एलिमेंट कम होते, पहले के पास कितना ऑप्शन है मिलने का, पहले के पास एक दो तीन ऑप्शन है, दूसरे के पास दो ऑप्शन, ये इससे मिल गया, इसको किससे मिला होगा, इसको मिलने के लिए इन्हीं में से किसी से मिलना पड़ेगा, और इनमें से जैसे ही मिल गए तो वन वन ही नहीं रहा, यही तो करेंगे, ये या तो इससे मिले इससे तभी फंक्शन होगा, अदरवाइज तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन में ये एलिमेंट कहीं कहीं एसोसिएट होना चाहिए, मतलब जब ये फंक्शन बनेगा तो ये वन वन बन ही नहीं सकता, मतलब हमने देखा क्या आ गया जीरो, अगर डोमेन में अगर एलिमेंट ज्यादा है तो वन वन फंक्शन जीरो ही होंगे। समझ में आ गया, क्यों रटना नहीं है, रटने के लिए आपको आगे बताता हूं अगला स्लाइड, ये एक फोटो खींच के डालिए तो आप देखना एक एक करके। सबसे पहले हमने एलिमेंट लिए एक्स के अंदर कुछ एन एलिमेंट ले लिए हमने, y के अंदर कुछ, x के अंदर मैंने कुछ n एलिमेंट्स ले लिए, सेकंड ये कुछ n एलिमेंट्स और इधर कुछ r एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट तो r टू पावर n, वन वन फंक्शन हमने पढ़ लिया, अगर वन वन पता है तो मैनी वन निकाल सकते हैं, क्योंकि या तो फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन, तो टोटल पता है उसमें से वन वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, टोटल देखो वन वन का फॉर्मूला अभी बताया था ये होता है, तो टोटल में से वन वन, टोटल ये है वन वन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मैनी वन, और ये होता है क्या
इनटू और ऑन टू के लिए इसको साइड में कर देता हूं, आप देखो ये होता है इनटू और ऑन टू का, ये हम डायरेक्ट याद रखते हैं एज ए फॉर्मूला। तो आप एक बार के लिए इसको नोट डाउन करिए क्योंकि ये हमें डायरेक्ट याद रखना होता है। इस फॉर्मूले को, दोनों फॉर्मूले को, ई और एफ को हम याद करेंगे क्योंकि ये हमें डायरेक्ट याद करना होता है। वैसे इसका भी मेथड बनाया जा सकता है लेकिन जनरली हम याद रखते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उस बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर क्वेश्चन सिंपली आपको दे देगा कि ए सेट के अंदर चार एलिमेंट है, बी सेट में तीन एलिमेंट है, टोटल ऑन टू फंक्शन बताओ फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल फंक्शन बताओ फॉर्मूला लगा देंगे, इन टू बताओ फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूले बेस्ड होता है बिल्कुल। अगर फॉर्मूला नहीं याद रख सकते हो तो इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं बट वो बहुत ज्यादा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उससे बेटर होता है कि हम एक फॉर्मूला ही याद रख लें, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे यहां तक का वन वन और मैनी वन फंक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है उस बारे में अगर डिस्कस करें, इंट्रोडक्शन, डोमेन रेंज, उसके ऊपर प्रॉब्लम और वन वन मैनी वन फंक्शन। अब इसके बाद हम वन वन और मैनी वन फंक्शन पे प्रॉब्लम देखेंगे। तो जितने टाइप के हमने करा है उन सबको एक बार के लिए आप रिवाइज करके रखें, ठीक है। थैंक यू।